सो गाइस स्वागत है आप लोगों का एक और नई गेम प्ले वीडियो में। इस गेम प्ले वीडियो में फिर से खेलने जा रहे हैं ग्रैंड चैप्टर 2। आपने इसके बहुत सारे सीरीज देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो मैं इसके टाइम टू टाइम सीरीज ला रहा हूँ, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं अगर वीडियो नहीं देखी, और आई बटन पर लिंक दे दूंगा। और इसमें मैं बोथ रखने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, आप सेटिंग देख सकते हैं, मैंने इस पर बोथ कर दिया है और ईजी मोड पर खेलेंगे क्योंकि थोड़ी फटती है हमारी। सो डे 1 स्टार्ट होता है यहाँ पे, और चलो अब देखते हैं क्या हम ग्रैनी पार कर पाते हैं बोथ में कि नहीं। सिंगल में तो हमने कई बार कर चुके हैं, बट क्या हम बोथ चैलेंज में पार कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम प्ले होने वाला है, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो हमारी यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाता है, हमारा लौंडा उड़ जाता है और हम यहाँ से सिर्फ भगते हुए। यहाँ पे ना हमेशा कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। अब मैं सीधा ऊपर जाऊँगा यहाँ से और देख लेता हूँ धीरे से, भाई कोई है नहीं तो पहले ये वाला ड्रॉर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। तो लिटरली गाइस यहाँ तो कुछ नहीं है, पहले तो पड़ा रहता था। और हमारा सबसे पहले मिशन रहेगा स्टन गन ढूंढने का, क्योंकि स्टन गन यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, इस ड्रॉर में कुछ नहीं है, मैनुअल मिल जाते थे इस ड्रॉर में, बट अभी तो कुछ भी नहीं है। स्पार्क प्लग मिला है, ये नहीं कर रहे हम, डोर स्केप करेंगे इसमें सबसे पहले। तो अभी तो कुछ नहीं मिला। ओ भाई बुड्ढा यहीं पर है और लिटरली बच गया, वरना थोड़ा सा डोर का लॉक पड़ा है, बट यार मार देता अगर चला जाता तो उसके पास। और ग्रैंड कैपेल है ना यार, ऊपर जाने की कोशिश करते क्योंकि ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, तो ऊपर जाने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यार यहाँ पर देखता हूँ, पहले ग्रैनी देखो, ग्रैनी नीचे जा गई है और आई होप ग्रैंड पा ऊपर ना गया हो। तो चलो अब ग्रैनी नीचे गई है, जान देते हैं ग्रैनी को। ग्रैंड पा शायद ऊपर गया है, डैम श्योर मुझे पक्का लगता है ऊपर ही गया है ग्रैंड पा। और ये वाली अलमारी खोल के देखते हैं, लिटरली इसमें तो कुछ भी नहीं मिला। साइड ड्रॉर चेक करते हुए चलते हैं और ऊपर चलते हैं, उस माइक्रोवेव के पास हमेशा स्टन गन मिल जाती थी, आज चेक करते हैं। सो गाइस ये तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें तो कटिंग प्लायर है, चलो एक तो मिल गया जिससे हम वो बिजली काट सकते हैं। इसमें वो उस कुत्ते का मांस पड़ा हुआ है, भाई कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं छुप जाता हूँ, मुझे लग रहा था वहाँ पर आवाज़ आई थी तो ग्रैनी कहीं आ ना जाए। तो देखो बुढ़िया आ गई डंडा लेके, मुझे पता है ना भाई ये ग्रैनी गुड़िया लेकर डंडा लेकर आ ही जाती है। सो गाइस यहाँ पे ग्रैंड पा ना हो, ग्रैंड पा शायद उस रूम में। तो यार मैं यहाँ से पहले स्टन गन ढूंढता हूँ, वो वाला ड्रॉअर है यार उसमें भी स्टन गन कभी पड़ी मिल जाती है, बट यहाँ तो अभी शायद पिंच पड़ा हुआ है, तो ये हमारे अभी काम का नहीं है किसी। सबसे पहले मैं स्टन गन ढूंढ लिया यार, यहाँ तो स्टन गन कहीं भी नहीं है। सो एक जगह और है जहाँ पर मुझे स्टन गन हमेशा मिल जाती है, वो है ये जहाँ पिंच लगता है ना, जहाँ नट खुलने जाते हैं हम नीचे की तरफ, तो वहाँ मिल जाता है। और हमने गिरा दिया तो पक्का डैम श्योर गैनी आती होगी, तो हम यहाँ दौड़ के नीचे जाएंगे और सिंपली खोल के फटाक से भाग जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे पहले यार, यहाँ आई होप यहाँ पे मिल जाए हमें स्टन गन नीचे की तरफ। सो गाइस यहाँ पे मिल चुका है हमें धोखा, यहाँ भी स्टन गन नहीं है। अब बतानी यार स्टन गन कहाँ होगी, मैंने सब ढूंढ लिया, सब जगह चेक कर लिया ऑलमोस्ट, स्टन गन कहीं नहीं मिली। अब एक जो जगह और है जो मुझे पता है जहाँ स्टन गन मिल जाती है, बट अब वो उम्मीद टूटते जा रही है। अब यहाँ पे पहले मैं ग्रैनी को बुला लेता हूँ, फिर जैसे वो बाहर जाएगी मैं उसके पीछे भाग जाऊँगा। चलो ग्रैनी आ गई यहाँ पे, भाग जा बुढ़िया भाग जा बुढ़िया। स्टन गन होती ना भाई पक्का गैर, बुढ़िया के ना तेल लगा देता हूँ, मतलब तेल लगा के मारता है इस बुढ़िया को। बट देखो कैसे देख रही है, ये शायद विमल खाती है, मतलब वही यही है सारे, मतलब मिले जुले, मतलब समझ जाओ भाई, बोलने का एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, समझ गए तो कमेंट्स में बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो हम ऊपर जाते हैं, आई होप ग्रैनी चली गई हो, साइड में ना खड़ी हो, वरना ग्रैनी बहुत तेज है इसमें, ग्रैनी यार पेल देती है आके कहीं से भी। सो यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए ग्रैनी, तो मैं भी जाने की कोशिश करूँगा यार। ग्रैनी तो अपने लड़के के पास भी नहीं गई है, वहाँ पर तो पीस ऑफ पेपर है और जिसमें लड़का भी आ गया है। यहाँ पर ग्रैनी और देखो अपना जाल यहाँ बिछा के गया, तो हम यहाँ साइड से निकलेंगे, चुपचाप निकल जाते हैं। यहाँ पे जाकर देखता हूँ भाई स्टन गन मिल जाए यार। यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर का मैनुअल है, कहीं इसके अंदर तो नहीं छुपा रखा। ओह खुल जा भाई, खुल 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 खुल, सो सो खुल जा खुल जा। यहाँ भी नहीं है वो, यहाँ तो नहीं है, ऊपर जा कर देखते हैं। आ नहीं भाई अभी तो कोई नहीं आ रहा, चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर में देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। भाई ये तो गेट हिला दिया भाई, आवाज़ हो गई, लगता है पक्का आती होगी, भाई भागना पड़ेगा यहाँ से। सो भाई यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर ही आ गए, भाई बुढ़िया आ गई, भाई भागो भाई भाग, जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी भाग।
पिंच को फेंको यहाँ पे और भागना है हमें यहाँ से। चलो भाई हम लोग गोल चक्कर लगा के ऊपर जा रहे हैं, अब नीचे जाते नीचे नीचे जाते सिंपली सिंपली नीचे जाने नीचे नीचे नीचे, बस वो बुड्ढा ना हो नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ वो वहाँ पे बेसमेंट में देखते हैं वहाँ पे कहीं स्टन गन तो नहीं पड़ी, तो स्टन गन देखते हैं आज। आई होप 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 यहाँ पे मिल जाए स्टन गन, बट ओ भाई यहाँ भी स्टन गन नहीं है तो कहाँ होगी। और यहाँ पे लगता है यार बुढ़िया यहाँ पे आके मार ही देगी। सो मैं कितनी देर अभी उठा लेता हूँ, कितनी देर इंतज़ार करूँगा, बहुत टाइम हो गया इंतज़ार करते हुए। चलो हम ऊपर चलते हैं जल्दी से दौड़ के, काम आएगा। ओ भाई ओ भाई ओ साल आ, इसका तेल लगा दूंगा भाई मैं तो, मिल जाने एक बार गन कि वो तेल लगा दूंगा ना मैं, तब छोड़ दो यार। डे टू में पहुंच गया भाई, स्टन गन नहीं मिली अभी तक। और यार स्टन गन की तलाश में हमने पूरा घर छान मार लिया, अब मुझे एक दो जगह और है ऊपर के ड्रॉर देखने पड़ेंगे। चलो पहले मैं देखता हूँ यहाँ, कोशिश करता हूँ आई होप मैं ऊपर जाके देर ड्रॉर चेक कर सकूँ। सो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लिटरली कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये सारी वही जगह है। ओ भाई बूढ़ा आ गया यहाँ पे, बूढ़ा बूढ़ा साढ़े बूढ़े यहाँ आ जा, ग्रहणी यहीं कहीं है भाई ग्रहणी। अब नीचे जाता हूँ भाई, यहाँ पे तो मुझे वेपन की भी नहीं मिल रही यार, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा इस गेम में इस बार। कहाँ पे मतलब कौन से मुहूर्त में खेल रहा हूँ मैं इस गेम को पता नहीं यार, कुछ भी नहीं मिल रहा। पिछले वाले क्या आप गेम प्ले चेक कर सकते हो, उसमें मुझे सब चीज़ें आसानी से मिल जाती थी सिंगल में, बट यार बोथ में यार ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो यार क्या करें, अब यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। सो यार निकलना तो पड़ेगा यार, देखो बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, दो ही गेम लोगों ने वाला है तो भाई पिटी लो इससे बढ़िया। तो जाओ और भिड़ते हैं हम इनसे, डरते तो है नहीं किसी से, मतलब हमारी यदि कृष्णा आर्मी तो बहुत स्ट्रांग है, डरती तो किसी से है नहीं। तो चलो यार चलते हैं बाहर, बस थोड़ा संभल के चलते हैं क्योंकि बल के साथ समझदारी भी चाहिए होती है, तो समझदारी तो कूट कूट के है। तो चलो पहले इसको जाके देखते हैं धीरे से। तो यार यहाँ पे तो मुझे कोई लिटरली दिख नहीं रहा, मैं इस पिंच को उठा ही लेता हूँ। ओ भाई 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 उठा ही रहा था जब तक तो आके पेल दिया बुढ़िया ने भाई, इतनी सलाह साथी रहा, आवाज़ भी नहीं आई आपने सुनी ना, कोई आवाज़ भी नहीं, तो खटर बटर रोती, तो मैं भागता ना भाई, जैसे पीछे मुड़ा वो आके पेल गई। और डे थ्री में पहुंच गए हम, अब लगता है यार आज हो पाएगा कि नहीं यार पता नहीं, बट यार कोशिश पूरी जारी है, हारूंगा नहीं जब तक मैं पूरे 5 दिन पार ना कर लूँ इसके, हार तो नहीं मानने वाला इतने आसानी से। तो भाई यार ऊपर चले तो दौड़ते हुए, अब सीधा मुझे पता चल गया ऊपर वाले ड्रॉर में ही होना चाहिए, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे तो बूढ़ा है, बूढ़ा यहीं पे है, मैं यहाँ से भाग के सीधा यहाँ लिख लूँगा और उस पिंच को उठा लेता हूँ पहले, और सीधा नीचे छुप जाता हूँ जाके, जिससे ग्रैनी को बुलाऊँगा। ग्रैनी बहुत तेज़ है इस गेम में, बुढ़ा तो यार धीरे धीरे आता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैनी है वो मेन है इस गेम की खिलाड़ी। तो मैं यहाँ पे पहले बुला लेता हूँ, आ जा भाई आ जा आ जा आ जा आ जा भाई, फेंको फेंको आ जा। हाँ और जब तक गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इसके और पार्ट लाने चाहिए कि नहीं। तो यार देख लो यहाँ पे ग्रैनी आ गई है, सिंपली ग्रैनी आ गई है यहाँ पे। अब ग्रैनी पता नहीं क्या तोड़ाई देगी, बस ये ग्रैनी को मैंने सामने वाले रूम में भेजना चाहूँ जिससे कि मैं दौड़ के ऊपर चला जाऊँ। देखो बुढ़ा बुढ़िया दोनों यहीं पे हैं, मेरा यही है प्लान कि दोनों को यहीं फंसा के रखूँ, और जब तक ऊपर रहेंगे मैं जाके ऊपर जा कर चेक कर लूँगा कि वहाँ पर कुछ है कि नहीं, और वो मिल जाए मुझे स्टन गन, स्टन गन मिल जाती है तो फिर मज़ा ही आ जाएगा भाई। तो चलो यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा यार, बार बार यही आ रही है, तो इसे बार बार फेंकने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस इसे सीधा अंदर ना जाए, सीधा सामने अपने बच्चे के पास चले जाए, साइड वाइड में ना जाए, मेरे यही मिशन है, यही चाहता हूँ मैं बस इससे कि सीधी चली जाए, जिससे मुझे थोड़ा सा टाइम मिले ऊपर जाने का। और ग्रैंडपा लगता है ऊपर चला गया है, यहाँ तो मुझे ग्रैंडपा दिख नहीं रहा, अब पता नहीं ऐसे सीधा लिफ्ट ही हो गया क्या ग्रैंडपा। तो चलो यार यहाँ पर यार ज़्यादा देर बैठने से कुछ होगा नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा, मैं फेंकूँगा नहीं बाहर निकलूँगा सीधा, ये ग्रैनी गई, अब मैं साइड से भागने की कोशिश करूँगा। ओ भाई कितनी तेज है भाई, साइड से देख गई, मतलब लिटरली पता है तुम्हें, देख रहा तुमने कैसा है। सो गाइस इसके बाद आप कुछ लोग बोलेंगे भाई इसके बाद का गेम प्ले डे 4 डे 5, सो गाइस उसमें भी यही हुआ था कि मैं पिट गया था, तो मैंने ज़्यादा आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। सो गाइस यही था आज का गेम प्ले पार्ट, तो नहीं कर पाया, बट अगर आपको भाई वो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं इसका ज़रूर ज़रूर से ज़रूर प्रॉमिस कर रहा हूँ इन दोनों बुढ़ा बुढ़िया को हरा के घर से बाहर निकल के दिखाऊंगा आपको।